हेलो दोस्तों, गिट्स मैशेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्टिग्यूस एलोकेशन मेथड डिस्कस किए थे और जिसमें हमने उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया। इस वीडियो में हम लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इवन आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट कम्स अंडर द नॉन कॉन्टिग्यूस एलोकेशन। मतलब जो पहला मेथड हमने डिस्कस किया कॉन्टिग्यूस एलोकेशन का, जिसमें हम सारे के सारे फाइल के ब्लॉक्स को हम कॉन्टिग्यूस एलोकेशन करते हैं, मतलब मेमोरी के अंदर हम उनको कॉन्टिग्यूस एलोकेट करते हैं ताकि वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो रिजाइड करें मेमोरी के अंदर, स्टोरेज के अंदर जो कॉन्टिन्यूसली रिजाइड करें। लेकिन यहां पे हम बात करें लिंक्ड लिस्ट, तो लिंक्ड लिस्ट में नॉन कॉन्टिग्यूस का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। लेट्स से हमारे पास है एक फाइल, फाइल ए। अब हमने करना क्या है इसको कि बिफोर वी पुट दिस फाइल इनटू द स्टोरेज, मतलब स्टोरेज में इस फाइल को डालने से पहले हम क्या करते हैं, इस फाइल को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द ब्लॉक्स। ये तो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। लेट्स से मैंने इसको फाइव पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, मतलब ब्लॉक वन, ब्लॉक टू, ब्लॉक थ्री, ब्लॉक फोर, ब्लॉक फाइव, पांच पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इन पांचों पार्ट्स को जब हम मेमोरी के अंदर लेके आएंगे, मतलब जब हम अपने स्टोरेज के अंदर लेके आएंगे, दैट इज अ सेकेंडरी स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज, जब हम उस फाइल के सारे ब्लॉक्स को लेके आएंगे तब हम उनको कॉन्टिग्यूस नहीं नॉन कॉन्टिग्यूस एलोकेट करेंगे। मतलब लेट्स से कि ब्लॉक नंबर वन, ये हमारा ब्लॉक नंबर वन है, ब्लॉक नंबर वन हमारा लेट्स से आया टू, मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मैं इसे ड्रॉ कर देता हूं। लेट्स से फर्स्ट जो ब्लॉक है बी वन वो मैंने यहां पे डाल दिया, मतलब जो फिजिकल हमारे पास जो मेमोरी है, फिजिकल जो लोकेशन है वो कौन सा है, टू। अब नेक्स्ट ब्लॉक बी टू, अब बी टू जो है अगर मेरा कॉन्टिग्यूस होता तो मैं बी टू को कहां डालता, यहां, बी थ्री को यहां, बी फोर को यहां, बी फाइव को यहां। लेकिन अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, नॉन कॉन्टिग्यूस। तो नॉन कॉन्टिग्यूस में हम ऐसे भी डाल सकते हैं, अगर खाली है तो ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली नॉन कॉन्टिग्यूस का मतलब क्या है कि लेट्स से अगर आपने ब्लॉक वन टू में डाला तो ब्लॉक टू आप लेट्स से सेवन में डाल दो, बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। तो बी टू हमने यहां डाल दिया। नेक्स्ट जो ब्लॉक थ्री था, लेट्स से ब्लॉक थ्री हमने नाइन्थ में डाल दिया, मतलब ये वाले में। लेट्स से ब्लॉक फोर जो है हमने कहां डाल दिया, ब्लॉक फोर जो है वो हमने डाल दिया लेट्स से इलेवन में। और लेट्स से एक और ब्लॉक है, इसमें मैंने एक दो तीन चार फोर्थ जो ब्लॉक है ये वाला, लेट्स से ये फिफ्थ ब्लॉक हमारे पास, ये फिफ्थ ब्लॉक हमने डाल दिया किसमें, लेट्स से फोर्टीन नंबर में। गेटिंग द पॉइंट, किया क्या हमने, फाइल को सिंपली डिवाइड किया। तो फाइल को डिवाइड करने के बाद हम उन ब्लॉक्स को क्या कर रहे हैं, मेमोरी के अंदर, स्टोरेज के अंदर, हम उसको एक लोकेशन कॉन्टिग्यूस लोकेशन देने की बजाय हम उसको नॉन कॉन्टिग्यूस जो है वो लोकेशन दे रहे हैं। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है, आपने डेटा तो अलग अलग जगह पे डाल दिया, नॉन कॉन्टिग्यूस वे से डाल दिया। जब हम डेटा को फेच करेंगे, जब यूजर बोलेगा कि मुझे फाइल ए चाहिए, तो यूजर को हम फाइल ए कैसे देंगे, फाइल सिस्टम के पास कुछ ऑब्वियसली मैपिंग तो होनी चाहिए ना, कि उसको पता हो कि नेक्स्ट ब्लॉक कहां है, नेक्स्ट ब्लॉक कहां है। तो यहां पे अगर हम बात करें डायरेक्टरी में, डायरेक्टरी में हमने किया क्या, डायरेक्टरी में जो भी हमारे पास फाइल था, लेट्स से फाइल का नेम था ए, उसका हमने सिर्फ स्टार्ट ब्लॉक डालेंगे, मतलब कि पहला ब्लॉक कहां पे है, पहला ब्लॉक कहां पे है, टू पे। अब उसके बाद मुझे कैसे पता लगेगा कि दूसरा ब्लॉक कहां पे है, हम यहां पे यूज करेंगे पॉइंटर, लिंक लिस्ट की तरह। लिंक लिस्ट में होता क्या है, डेटा एंड लेट्स से पॉइंटर, पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट ब्लॉक को पॉइंट करता है, फिर डेटा पॉइंटर वो नेक्स्ट वाले को पॉइंट आउट करता है, तो डेटा पॉइंटर वो नेक्स्ट वाले को पॉइंट आउट करता है, वही काम अब हमने यहां करना है। तो यहां पे B1 जो ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है ना, अब इसमें डेटा तो है ही, मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन में आपको डेटा तो मिलेगा, डेटा के साथ साथ पहले डेटा होगा, डेटा के साथ साथ आपके पास एक क्या होगा, पॉइंटर होगा, उसमें एड्रेस कौन सा होगा, उस पॉइंटर में एड्रेस होगा सेवन। रीजन उसका क्या है, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉक जो B2 है वो हमने कहां डाला है, सेवन नंबर में डाला है। अब ऐसे B2 की बात करें, मतलब यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे मेरे को डेटा भी मिलेगा और एक पॉइंटर होगा जो पॉइंट आउट किसको करेगा, नाइन को, क्योंकि B3 का है नाइन पे। ऐसे यहां पे डेटा होगा और एक पॉइंटर होगा जो पॉइंट किसको करेगा,
B4 को, मतलब 11th लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा क्योंकि 11 में हमारे पास B5 है। ऐसे ही जो ये मेरा जो B4 लोकेशन यहां पे है, B4 जो ब्लॉक है उसका डेटा भी होगा और उसके साथ साथ एक पॉइंटर होगा जो पॉइंट करेगा किसको, 14 को। तो 14 में मेरे पास क्या है, फाइनल ब्लॉक जो है वो B5। ऐसे ही 14 में हमारे पास क्या होगा, डेटा होगा और डेटा के साथ एक पॉइंटर होगा, लेकिन उस पॉइंटर में वैल्यू क्या होगी क्योंकि हमारा डेटा खत्म हो गया तो ये आगे कोई और पॉइंट नहीं कर रहा, तो उसमें आप क्या डाल दो, -1 डाल दो। तो -1 का मतलब क्या है कि वो आगे किसको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, दिस इज द लास्ट ब्लॉक। तो देखो ये लिंक लिस्ट की तरह जो है वो बन जाता है, दैट्स व्हाई द नेम इज लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे हम डेटा को स्टोर करते हैं, कैसे हम डेटा को एलोकेट करते हैं पर्टिकुलर स्पेस इन द स्टोरेज। तो ये एक्चुअल में सारी कहानी है किसकी, लिंक लिस्ट की। तो अगर हम बात करें अब एडवांटेज की, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। यही तो डिसएडवांटेज था किसमें, कॉन्टिग्यूस में, कि हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन सफर करते हैं। रीजन उसका क्या है, हमारे पास खाली ब्लॉक है लेकिन हम डेटा जो है वो नहीं डाल सकते क्योंकि कॉन्टिग्यूस नहीं है, लेकिन यहां पे आप सारे के सारे ब्लॉक्स को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हो। रीजन उसका क्या है, आप डेटा कहीं पे भी डाल दो, बस आपको एक पॉइंटर बनाना है और वो पॉइंटर उस पर्टिकुलर डेटा को पॉइंट आउट करोगे। मतलब कहने का कि क्लास में स्टूडेंट्स है, जरूरी नहीं है कि आपको रोल नंबर वाइज ही बिठाना है। अगर आप रोल नंबर वाइज बिठाओगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की। मतलब हो सकता है बीच में 2-3 बेंच बच जाए, मतलब 2-3 बेंच यहां बच गए, 2-3 बेंच पीछे बच गए, और अगर लेट से कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आता है, 6-7 स्टूडेंट्स का ग्रुप, तो आप उनको बिठाओगे नहीं। रीजन का क्या है, 3 ब्लॉक जो है, 3 चेयर्स आगे वाले में और 3 चेयर लास्ट में खाली है, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे आप बोलोगे कि ठीक है 3 यहां बैठ जाओ, 3 लास्ट में बैठ जाओ, और एक पॉइंटर बना दोगे जिससे पता लग जाएगा कि पहले 3 यहां है और बाकी के 3 यहां है। सो दिस इज हाउ वी आर वर्किंग इन द लिंक लिस्ट। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन रिमूव होगी। दूसरा, फाइल साइज कैन इंक्रीज। ये भी प्रॉब्लम किसमें थी, कॉन्टिग्यूस में, कि आपने पहले ही बता दिया कि भैया मेरे को इस फाइल को स्टोर करने के लिए 5 ब्लॉक चाहिए, तो कॉन्टिग्यूस में हमने 5 ब्लॉक जो है वो आपको एलोकेट कर दिए। अब अगर ब्लॉक का साइज बढ़ता है, मतलब फाइल का साइज अगर बढ़ेगा, उसको अगर कोई और एक्स्ट्रा ब्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी, हम उसमें ग्रो नहीं कर सकते। हाँ, एक ही सिचुएशन है कि अगर नेक्स्ट वाला कॉन्टिग्यूस लोकेशन खाली पड़ी है तब तो आप दे सकते हो, अदरवाइज ऑब्वियसली चांसेस कम है। यहां पे कोई पंगा नहीं है, फाइल का साइज जितना मर्जी बढ़े आप कहीं पे भी डाल दो। लेट से फाइल का साइज बढ़ जाता है, जस्ट फॉर एग्जांपल, लेट से फाइल का साइज बढ़ गया और नेक्स्ट जो लोकेशन आपने क्या किया, लेट से मैं यहां बना देता हूं, नेक्स्ट लोकेशन है लेट से 21, तो आपने करना क्या है, ये जो लास्ट ब्लॉक में पॉइंटर क्या था, -1 से हटा के इसको क्या कर दो, 21 कर दो, और लास्ट ब्लॉक अपना 21 में डाल दो। अब ये पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, 21 को, दैट इज अ सिंपल। और जो 21 वाला है, 21 वाले में जो पॉइंटर होगा उस पॉइंटर में क्या डाल दो, -1 डाल दो। सिंपल सा कहानी है लिंक लिस्ट की। और ऐसी अगर हम बात करें डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज जो है सबसे बड़ी क्या है, लार्जर सीक टाइम। सीक टाइम लार्जर का मतलब क्या है, सीक टाइम होता क्या है, डिजायर्ड ट्रैक के ऊपर पहुंचने का टाइम। तो ऑब्वियसली ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला ट्रैक आपका, ये वाला ब्लॉक जो है ट्रैक नंबर 1 पे पड़ा है, ये ब्लॉक ट्रैक नंबर 2 पे पड़ा है, ये ब्लॉक ट्रैक नंबर 5 पे पड़ा है, ये ब्लॉक ट्रैक नंबर किसी और पे पड़ा है, तो ऑब्वियसली आपको रीड राइट हेड को मूवमेंट काफी करनी पड़ेगी, विच वॉज नॉट देयर इन द कॉन्टिग्यूस। क्योंकि कॉन्टिग्यूस में बस आप डिजायर ट्रैक पे पहुंच जाओ, उसके बाद आपको पता है कि सारा डेटा कॉन्टिन्यूसली पड़ा है, तो एक बार डिस्क घुमाई सारा डेटा मिल गया। लेकिन यहां पे आपको रीड राइट हेड को मूव करना पड़ेगा, कभी ट्रैक नंबर 1 पे, कभी ट्रैक नंबर 4 पे, 5 पे, बेस्ड ऑन कि कहां कहां पे डेटा आपका पड़ा है। Then, रैंडम एक्सेस की अगर हम बात करें, तो देखो हरेक फाइल का पहला ब्लॉक तो मुझे पता लग गया, पहला ब्लॉक तो ऑब्वियसली डायरेक्टरी से पता लग जाएगा। लेट से एक फाइल है बी, वो स्टार्ट है लेट से 5 से, तो मेरे को पता लग गया कि वो फाइल स्टार्ट है, मतलब जो ये बी फाइल है वो 5 से स्टार्ट है, पहले ब्लॉक का तो पता लग जाएगा। लेकिन मुझे लेट से उस फाइल का 4th ब्लॉक एक्सेस करना है, जैसे ये फाइल है, इस फाइल का मुझे 4th ब्लॉक एक्सेस करना है, बाकी ब्लॉक नहीं एक्सेस करने, तो उस केस में ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी फाइल पे ही जाना पड़ेगा। रीजन उसका क्या है, पहले आप 2 पे जाओगे, 2 आपको यहां पे लेके जाएगा, ये आपको यहां लेके जाएगा, ये आपको यहां लेके जाएगा, तब जाके आपको फाइनली डेटा मिलेगा। सो दैट्स व्हाई रैंडम एक्सेस, और आप कह सकते हो कि डायरेक्ट एक्सेस ऑफ अ पर्टिकुलर ब्लॉक इज कॉम्प्लेक्स या डिफिकल्ट एज कंपेयर टू द कॉन्टिग्यूस। उसमें तो एरे की तरह है कि आप पहले वैल्यू पे पहुंच जाओ, इंडेक्स 0 पे पहुंच जाओ, अब आपको पता ही है कि सेकंड कहां पे होगा, 2 छोड़ के।
टेंथ कहां पे होगा, 10 वैल्यूज छोड़ के, 11 कहां पे होगा, 11 वैल्यूज छोड़ के, तो वो वहां पे पता है, लेकिन यहां पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, यहां पे आपको पॉइंटर लेके जाएगा आगे आगे। और लास्ट है ओवरहेड ऑफ पॉइंटर। ओवरहेड ऑफ पॉइंटर का मतलब क्या है कि पिछले में हमारे पास क्या था कि लेट्स से अगर एक ब्लॉक है, मतलब जो फिजिकल मेमोरी में हमारे पास जो हमारे पास जो स्टोरेज में जो एक्चुअल में फिजिकल ब्लॉक है उसमें हमारे पास लेट्स से अगर साइज है 1 किलोबाइट, तो हम एक्चुअली में पूरा का पूरा जो है वो यूज कर रहे हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन यहां पे हम डेटा के साथ साथ क्या रख रहे हैं, पॉइंटर्स। मतलब हर एक जगह पे हमारे पास डेटा के साथ साथ क्या है, पॉइंटर्स है, तो पॉइंटर्स भी ऑब्वियसली कुछ मेमोरी जो है वो पॉइंटर्स ऑब्वियसली वो टेक ओवर करेंगे, वो कुछ मेमोरी जो है वो पॉइंटर्स रखेंगे। सो दैट्स व्हाई आप कह सकते हो कि ओवरहेड जो है वो पॉइंटर्स इसकी इसमें है, लेकिन ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा क्योंकि लिंक लिस्ट अगर है तो वो पॉइंटर्स के बिना चलेगी नहीं। सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द लिंक लिस्ट एलोकेशन। थैंक यू।